वेलकम वेलकम वेलकम, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो डायना इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 13 में। चलिए आज का नया दिन नया सिचुएशन, बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के सिचुएशन पर। और आज का सिचुएशन ये रहा, हेलो माय डियर फ्रेंड, विथ ग्रेट सिंसियरिटी विथ इंस्पायरिंग गस्टो डायना इंग्लिश वर्ड्स टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स इट्स मैनिफेस्टो। Plot of today for you as follows, my dear friend. Loitering along the promenade from dawn to dusk, no longer walk, neither bellyaching nor moaning mini will accomplish your mission. For reaching to the fruition, burning midnight oil and pushing the envelope further is required. चलिए ये आज का सिचुएशन, ये आप कितना समझ पाए मुझे पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी आपको दिक्कत हुआ हो समझने में, अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें जो कुछ भी वर्ड हम यूज किए हैं उसको डिलिनिएट कर रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी डिटेल में और पूरा एप्लीकेशन के साथ और करंट एग्जाम्पल के साथ, जो आप अपने को कोरिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये पहला वर्ड ये रहा, फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस लोइटर। लोइटर देखिए, एल के पहले लकीर है, इसका मतलब जोर देना होगा, और सी का उल्टा है और आई है तो उसको वाई वाई करके पढ़ेंगे लोआई। ए के बाद देखिए लकीर जैसा है वो र हो जाता है, लोइटर क्या पढ़ेंगे, लोइटर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है वॉक स्लोली विथ लॉट ऑफ सोजर्न इन पब्लिक प्लेस। सोजर्न मिस होता है रुक रुक के चलना, मतलब बीच में ही रुक जाना। मान लीजिए डेस्टिनेशन से पहले जब रुकते हैं उसको बोलते हैं सोजर्न। तो वॉक स्लोली विथ लॉट ऑफ सोजर्न इन पब्लिक प्लेस। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप कहीं सिनेमा हॉल गए या गांधी मैदान गए घूमने के लिए, और कोई पर्पस नहीं है, केवल आप घूम रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं कहीं पर रुक गए और किसी को देख रहे हैं, देखते ही रह गए, तो उसको जब हम यूज करेंगे उस जगह पे, उसको हम बोलेंगे लॉयटर। उसको क्या बोलेंगे हम, लॉयटर। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, कम डायरेक्टली होम इंस्टेड ऑफ लॉयटरिंग। कम डायरेक्टली होम इंस्टेड ऑफ लॉयटरिंग, मैंने इनका कहना है कि आप डायरेक्ट घर आइए, मैंने कहीं पे रुकिए मत और बिना टाइम बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत कीजिए, डायरेक्ट घर पे आइए। तो इसको हम यदि बोलेंगे तो कम डायरेक्टली होम इंस्टेड ऑफ लॉयटरिंग। दूसरा एग्जांपल देखिए, ऑफन आई फाइंड ग्रुप ऑफ यूथ्स लॉयटर आउटसाइड द सिनेमा हॉल। आप अक्सर हाँ ये देखते होंगे कि सिनेमा हॉल के सामने में उसके बाहर में बहुत सारा यूथ जो है वैसे ही टाइम पास करने के लिए वहां खड़ा रहता है, कोई काम नहीं, लेकिन तो अभी वहां पे अनपर्पसली मतलब कोई काम नहीं है तो अभी वो खड़ा रहता है। वो मैं बताना चाहा, इससे पहले आप अलग वर्ड यूज करते होंगे मेरे दोस्त, लेकिन आज से ये यूज कीजिए लॉयटर। लॉयटर मींस होता है एग्जैक्टली मडराना। मडराना मतलब मडराते हैं ना, बिना मकसद का इधर उधर रुकते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर देखने लगते हैं, फिर आगे चलते हैं, दैट इज लॉयटर। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड दैट इज प्रिपॉन्डरेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लॉयटरिंग ऑन द रोड। प्रिपॉन्डरेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लॉयटरिंग ऑन द रोड। मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर काउंटेबल नाउन होगा तो वहां पे नंबर का यूज होगा प्रिपॉन्डरेंस के बाद, अगर अनकाउंटेबल होगा तो अमाउंट का यूज होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे नंबर का यूज हुआ। प्रिपॉन्डरेंस मीन्स होता है बहुत ज्यादा। प्रिपॉन्डरेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लॉयटरिंग ऑन द रोड, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी रोड पर इधर उधर मर रहता है। आप जनरली देखते होंगे खास करके इवनिंग के टाइम में, खास करके मैं पटना का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, कि उसमें देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो शाम में जब होता है कोई पर्पस नहीं है, लेकिन तो अभी रोड पे केवल ही आपको मार्केट के मेला की तरह लगेगा कि आज कोई फेस्टिवल है, ऐसे ही आदमी घूमते रहता है। तो यही मैं बोला कि प्रिपॉन्डरेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लॉयटरिंग ऑन द रोड। चलिए मुझे आशा है कि आप ये वर्ड समझ गए होंगे, इसको यूज कीजिए। और आज का दूसरा वर्ड ये रहा, From dawn to dusk, this is a phrase. From dawn to dusk means from morning until night, means सुबह से लेके रात तक, that is from dawn to dusk बोलेंगे। देखिए पहला example, first example of this word, Swati reads from dawn to dusk for cracking IIT. मान लीजिए IIT एग्जाम, जैसे आप भी जानते होंगे कि IIT बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन बोला जाता है इंडिया का, जैसे उसके लिए यदि आपको तैयारी करना है, उसको यदि क्रैक करना है, तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, मैंने सुबह से लेकर रात तक पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहा कि स्वाति रीड्स फ्रॉम डाउन टू डस्ट
for cracking IT. Second example of this phrase, that is, we are teaching from dawn to dusk. We are teaching from dawn to dusk. हम लोग सुबह से लेकर रात तक पढ़ा रहे हैं. हम लोग यहाँ जैसे डायना इंग्लिश का ये कहना है कि हम लोग सुबह से ही करते हैं और रात तक पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं. मैं नंबर ज्यादा नहीं देखता हूँ, मैं एफिशिएंसी पे वर्क करता हूँ. मैं आपको नॉलेज इम्पार्ट करना चाह रहा हूँ और एक एक को बुलवाता हूँ, 100% गारंटी के साथ रिजल्ट देना चाहता हूँ. इसके लिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ सुबह से लेकर रात तक. इसलिए मैं एग्जाम्पल दिया, वी आर टीचिंग फ्रॉम डॉन टू डस्क. तीसरा एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम डॉन टू डस्क वी हैव टू कीप फास्ट टूडे. जैसे आप जानते हैं कि आज चतुर्दशी का दिन है, आज आदमी ज्यादातर फास्ट रखता है और सुबह से रात तक रखता है. इसलिए मैं उस करेंट एग्जांपल दिया, मैं पहले भी बताया, आई एम ट्रिंटर से सेड स्टिल आई एम सेइंग कि मेरा जो एग्जांपल रहेगा वो करेंट रहेगा, आसपास से रहेगा, जो एप्लीकेशन में आपको आसान होगा और आप समझ पाएंगे. मैंने फ्रॉम डॉन टू डस्क, आज का जो दिन है चतुर्दशी के दिन में, आज आपको फास्ट रखना पड़ता है सुबह से लेकर के रात तक. इसी पे आधारित ये मेरा एग्जाम्पल था, फ्रॉम डॉन टू डस्क. हेलो माय डियर फ्रेंड, जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, नो सुना डिड यू स्टार्ट फॉलो हार्ड ऑन द हील्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायना इंग्लिश. इफ यू आर विथ डायना इंग्लिश, 100% योर एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड फॉन्डनेस टुवर्ड्स इंग्लिश नेवर एवर डाउन द ड्रेन. Come and become the part of Dan English and share it, subscribe it. My dear friend, 100% you can learn a lot. यहाँ पे बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इसको देखिए और बार बार इस वर्ड के साथ खेलिए. चलिए आज का तीसरा वर्ड रहा, दैट इज प्रमानेट. प्रमानेट, PROMENADE. देखिए पी के नीचे है तो इसका मतलब पी पे जोर नहीं पड़ेगा. ए के आगे दो बिंदी है जिसका मतलब आ हो गया. प्रा मा, देखिए एन के ऊपर देखिए लकीर है जिसका मतलब एन पे जोर देना होगा. ई आई मीन्स होता है ए ई, मीन्स प्रमानेट. प्रमानेट दिस इज अ नाउन, इसका मतलब होता है ए पाथ बिल्ट फॉर वॉकिंग जस्ट बिसाइड लेक या सी या रिवर. जैसे आप लोग देखते होंगे, हम लोग भी जानते हैं, जैसे सी कोस्ट के सी के बगल में, जैसे गंगा रिवर जो पटना में है उनके बगल में जो जो फुटपाथ की तरह बना रहता है, जो जिसमें हम लोग चलते हैं इवनिंग मॉर्निंग सभी जगह जो घूमते रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रामानाइड. इसको क्या बोलेंगे? प्रामानाइड. इससे पहले मेरे दोस्त आप कोई दूसरा वर्ड यूज करते होंगे, लेकिन आज से स्टैंडर्ड अच्छा एडवांस वर्ड यूज कीजिए जिसका नाम है प्रामानाइड. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड इज इन द इवनिंग night of Juhu Chapati is full with visitors. In the evening, Pramanade of Juhu Chapati is full with visitors. जैसे आप जानते हैं जुहू चपाती जो कि मुंबई में है और बहुत फेमस है और वहाँ पे आप देखेंगे शाम के वक्त बहुत भीड़ रहता है, मतलब वहाँ पे नदी समुद्र के किनारे बहुत आदमी घूमता रहता है. यही मैं बताना चाहे एग्जाम्पल, इन द इवनिंग प्रमानेट ऑफ जुहू चपाती इज फुल विद विजिटर्स. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई एंजॉय अ लॉट बाय वॉकिंग अलोंग द प्रमानेट. आई एंजॉय अ लॉट, मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ जब मैं प्रमानेट के पे घूमते रहता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आता है. तो मैं ये बताया, आई एंजॉय अ लॉट बाय वॉकिंग अलोंग द प्रमानेट. एंड थर्ड एग्जाम्पल, फ्रॉम पटना इटसेल्फ अ राफ्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर टू वॉक अलोंग द प्रमानेट ऑफ NIIT घाट. जैसे आप भी वाकिफ है और सब कुछ सबको वाकिफ है कि NIIT का घाट जो है पटना का बहुत ही अट्रैक्शन का केंद्र है, और ये जो गवर्नमेंट का जो पहल था, जो ये प्रमानेट जो बिल्ड किए पूरे गंगा रिवर के किनारे किनारे, बहुत ही मैंने अट्रैक्शन का पॉइंट है, और हम भी आप भी और सब कोई प्रेफर करते हैं वहाँ टहलने के लिए. तो यही मैं बताना चाहे एग्जाम्पल से, एराब खास करके जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पटना में, क्योंकि पटना का नाम ही स्टूडेंट्स के लेके है, तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ प्रेफर करते हैं वॉकिंग करना जो NIIT घाट पे जो प्रमानेट बना हुआ है. तो यही मैं बोला, एराब ऑफ स्टूडेंट प्रेफर टू वॉक अलॉन्ग द प्रमानेट ऑफ NIIT घाट. विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट सिंसियरिटी से टू यू ऑल माई बॉडी फॉर लर्निंग इंग्लिश, डायना इंग्लिश इज द बेस्ट प्लेस माई डियर फ्रेंड. बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, 100% इंग्लिश बोलना आ जाता है. चाहे आप कहीं से पढ़े हों, कहीं से भी आपको इंग्लिश में क्या आता है नहीं आता उससे मतलब नहीं है, बस केवल आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, आपको बोलना और 100% ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आप बना पाएंगे. चलिए आज का मेरा फोर्थ वर्ड है बेली ए किंग, दैट इज अ नाउन, इसका मतलब होता है कंप्लेनिंग. बेली ए किंग,
देखिए फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज रोनल इज इन द हैबिट ऑफ बेलिएकिंग. रोनल इज इन द हैबिट ऑफ बेलिएकिंग. मान ले किसी को आदत होता है कंप्लेन करने का, छोटे बात पे बड़े बात पे हमेशा वो कंप्लेन ही करता रहता है, इसलिए मैं बोला कि रोनल का आदत जो है वो कंप्लेन करने का ज्यादा है. तो इसको हम यदि बनाएंगे तो ऐसे बोलेंगे रोनल इज इन द हैबिट ऑफ बेलिएकिंग. जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ बेलिएकिंग केसेस आर डिक्रीजिंग डे बाय डे. मान लीजिए किसी ऑफिस का हो, स्कूल का हो, इंस्टीट्यूट का हो, तो उनका जो रिकॉर्ड रहता है रिकॉर्ड बुक को जब वो देखे तो कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं अभी जो है ये कंप्लेंट का केस कम होते जा रहा है. मतलब ये कम हो रहा है. इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर राजा अगर टाइट है तो नीचे कोई कुछ से पर सलार कुछ भी नहीं कर पाएगा. मैंने कंप्लेन का केस स्वाभाविक है कि कम ही होगा. एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज स्टॉप योर बेलिएकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ दिस वॉक. स्टॉप योर बेलिएकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ दिस वॉक. आप देखते होंगे जनरली आदमी को जो कोई वर्क दे देंगे बोलेंगे नहीं ये इतना कठिन है, ये कठिन है, इसके साथ ये है वो है. तो मैं ये बोला कि स्टॉप कीजिए ये कंप्लेन करने का वर्क, इस काम में कितना कठिनाई है उसको बंद कीजिए, ये अच्छा नहीं है. तो ये मैं एग्जाम्पल के साथ बताया, स्टॉप योर बेलिएकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ दिस वर्क. और आज का फिफ्थ वर्ड रहा मॉर्निंग मीनी. मॉर्निंग मीनी सैनोनिम ही है इसका. देखिए एम के नीचे लकीर है इसका मतलब एम पे जोर नहीं देंगे, और दूसरा एम के ऊपर लकीर है जिसका मतलब एम पे जोर देंगे, बरोबर. इसका मतलब होता है मॉर्निंग मीनी. ये नाउन है कंप्लेनिंग ऑल टाइम्स, मतलब जो हमेशा कंप्लेन करता है. अभी हम बेलिएकिंग को एक्सप्लेन किया था, ये सैनोनिम है. सैनोनिम ही ये है मॉर्निंग मीनी, इसलिए मैं यहाँ पे तुरंत दे दिया एग्जांपल. जब आप एम्फेसाइज करते हैं तो दो सैनोनिम वहाँ पे डालते हैं जो कि मैं सिचुएशन में डाला था, इसलिए मैं यहाँ पे डिलिनेट कर रहा हूँ. पहला एग्जाम्पल है प्लीज स्टॉप सच मॉर्निंग मीनी. प्लीज स्टॉप सच मॉर्निंग मीनी, मैंने कंप्लेन करना बंद करो बंद करो. दूसरा एग्जांपल देखिए, ही बिकम्स बर्सर्क बाय राहुल्स मॉर्निंग मीनी. ही बिकम्स बर्सर्क बाय राहुल्स मॉर्निंग मीनी. आप ये समझ गए होंगे क्योंकि आप यदि ये शो को फॉलो करते होंगे तो ये बर्सर्क का मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप उसको अर्थ लगाइए, समझिए, स्लाइड को देखिए, तब आप खुद ब खुद इस पे पहुंच जाएंगे. मतलब राहुल जो है छोटे छोटे बातों पे कंप्लेन करने लगता है या गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है. That is, he becomes berserk by Rahul's morning meeting. नहीं, इसका अर्थ ये हुआ है कि राहुल का जो कंप्लेन करने का जो आदत है लगातार, उसे वह गुस्सा जाता है. तो ये हुआ he becomes berserk by Rahul's morning meeting. तीसरा एग्जांपल है मॉर्निंग मीनी नेचर इज नॉट गुड फॉर एनीवन. मैंने कंप्लेन करने का जो आदत है, ये जो नेचर है, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. तो ये मैं बोला कि मॉर्निंग मीनी नेचर इज नॉट गुड फॉर एनीवन. तो आज का मेरा सिक्स वर्ड रहा accomplish. accomplish 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 is this is a verb. इसका मतलब होता है to achieve something, मतलब कुछ पाना, कुछ प्राप्त करना. तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो अच्छा से समझ पाएंगे. और ये देखिए के ऊपर लकीर है, इसका मतलब के पे जोर देना है. ए के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आ अखाम प्लीज. ये जो बड़ा सा लकीर एस की तरह देख रहे हैं वो शाह तालब शाह है. इसका अकाम फ्लेश. अकाम फ्लेश मतलब टंग, मतलब टंग को तालू में चिपकाएंगे उसके बाद हवा निकलेगा, वो दैट इज तालब शाह. तो इसको कैसे उच्चारण करेंगे? अकाम फ्लेश. अकाम फ्लेश. तो इसका अर्थ हुआ टू अचीव समथिंग. एग्जाम्पल देखिए, टू अकम्प्लिश द टारगेट सॉरियन हैज टू डू हार्ड वर्क. मैंने टारगेट को प्राप्त करने के लिए सौरियन को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा. तो यही मैं करना पड़ता है. तो यही बोला कि टू अकम्प्लिश द टारगेट सौरियन हैज टू डू हार्ड वर्क. दूसरा एग्जांपल देखिए, निविका इज ट्राइंग हार्ड टू अकम्प्लिश हर गोल एंड एम्बिशन. निविका इज ट्राइंग हार्ड टू अकम्प्लिश हर गोल एंड एम्बिशन. निविका जो है दिन रात मेहनत कर रही है अपने टारगेट को पाने के लिए, और अपने गोल जो है और उसका जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसको पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती है. इसको हम बोलेंगे निविका इज ट्राइंग हार्ड टू अकम्प्लिश हर गोल एंड एम्बिशन. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड दैट इज बाय ज्वाइनिंग डाउन ऑन इंग्लिश एनीवन कैन अकम्प्लिश द नॉलेज ऑफ इंग्लिश. मैं
बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हम तीन टाइम्स आई सेड, स्टिल आई एम सेइंग, डैनलिस में ज्वाइन करेंगे तो अंग्रेजी पे आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा, बोलना भी आएगा, लिखना भी आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बाय ज्वाइनिंग डैनलिस इंग्लिश एनीवन कैन अकॉम्प्लिश द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो आप इसको इस ढंग से देखिए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि पूरा करंट सिचुएशन पे मैं बनाए रहता हूँ एग्जाम्पल, जिससे आप अंडरस्टैंडिंग आपको आसानी से हो। जैसे आज का मेरा सेवंथ वर्ड है Fruition. देखिए यू के आगे दो लकी दो बिंदी है, जिसका मतलब ये दुर्गु हो गया, ऊ लंबा करके बोलेंगे। और आई के ऊपर देखिए लकीर है, इसका मतलब आई पे आपको जोर देना है। Fruition क्या बोलेंगे? Fruition. This is a noun, इसका मतलब होता है बी सक्सेसफुल। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, रोहित डिवाइज मेरियड प्लांस फॉर रीचिंग टू फ्रूशन। रोहित डिवाइस मीडियर प्लांस फॉर रीचिंग टू फ्रूशन। रोहित नाम का एक लड़का अपना स्टूडेंट है जो रियली बहुत मेहनत करता है, और नाउ ही स्पीक्स बेटर एंड फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट। इसलिए मैं एग्जाम्पल मुझे सटीक लगा, इसलिए मैं यहाँ पे उनका नाम लिया हूँ, रोहित डिवाइस मीडियर प्लांस फॉर रीचिंग टू फ्रूशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, योर प्लान विल टेक मोर टाइम टू कम टू फ्रूशन। मैंने आपका प्लान जो है वो सफलता पाने तक उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो यही मैं बताना चाहा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड्स बीजेपी स्लिम टू नन चांसेस फॉर अदर पार्टीज टू रीच फ्रूशन इन कमिंग जनरल इलेक्शन। जैसे ये ग्राउंड रियलिटी है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, जो अभी 2024 में जो जनरल इलेक्शन होने वाला है उसमें अभी जो हालात है उसको देख करके आप भी बोल सकते हैं कि बीजेपी के अलावा किसी का चांसेस अभी दिख नहीं रहा है। तो इसको हम जैसे बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, बिसाइड्स बीजेपी स्लिम टू नन चांसेस फॉर अदर पार्टीज टू रीच फ्रूशन इन कमिंग जनरल इलेक्शन। कहावत है कि सोच बदल रहा है, रुख बदल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा है, आपको भी रुख बदलना पड़ता है, और आप अच्छा कर रहे हैं, देश अच्छा कर रहा है, देश का नाम हो रहा है। देखिए आज का आठवां वर्ड, दिस इज idioms, burn the midnight oil, दिस इज idioms, इसका मतलब होता है work up to late night, means बहुत कड़ी मेहनत करना, रात दिन एक कर देना, burn the midnight oil, दिस इज idioms, work up to late night, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करना। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, फॉर अटेनिंग टारगेट You have to burn the midnight oil. For attaining target, you have to burn the midnight oil. मैंने आपको टारगेट को प्राप्त करना, अटेन मैंने प्राप्त करना, मैंने टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। You have to burn the midnight oil. Second example of this word, that is for reaching fruition, we are burning the midnight oil. For reaching fruition, we are burning the midnight oil. मतलब सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है, और इसलिए हम लोग भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल देखिए, एग्जाम इज गोइंग टू हैपन ड्यू टू दिस, सीता इज बर्निंग द मिडनाइट आयल। मैंने एग्जाम जो है होने वाला है, इसलिए सीता जो है कड़ी मेहनत कर रही है। तो इसका मैं जब बताऊंगा तो ढंग से भी लिख सकता हूँ, एग्जाम इज गोइंग टू हैपन ड्यू टू दिस, सीता इज बर्निंग द मिडनाइट आयल। इसमें बहुत सारा सेंटेंस जो बनाते हैं हम लोग, थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप का बनाते हैं कि आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए ढंग से भी बना सकते हैं, और ग्रामर का बारीकी समझिए, और उसमें यदि कोई भी दिक्कत होता हो तो प्लीज मेक अ बिलाइन टू डायना इन इंग्लिश। और ये कहावत भी है कि विदाउट बर्निंग मिडनाइट ऑयल इट्स इम्पॉसिबल टू गेट योर टारगेट्स। इसलिए बर्निंग मिडनाइट ऑयल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को बड़े लेवल पे देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इडियम ऑफ दिस शो, दैट इज पुश द एनवेलप। ये है idioms, इसका मतलब होता है टू ट्राई न्यू थिंग्स विच हैव बीन नॉट ट्राइड बिफोर। मैंने आप सफलता पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ अटेंड करने के लिए आप बहुत चीज आप ट्राई किए होंगे इससे पहले, लेकिन जो नहीं भी ट्राई किए हैं लेकिन तो भी आपको सफलता ना, उसको भी ट्राई कीजिए, किसी तरह आप सफल होइए, मैंने अटेंड कीजिए। टारगेट को अटेंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा, नया नया हथकंडा अपनाना पड़ता है, उसी को हम बोलेंगे पुश द एनवेलप। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, वी विल कीप ट्राइंग टू पुश द एनवेलप अनटिल गेटिंग सक्सेस। मैंने हम लोगों को नया नया चीज अपनाते रहना चाहिए जब तक हम लोग सफल नहीं हो गए हैं। तो इसलिए मैं बोला, वी विल कीप ट्राइंग टू पुश द एनवेलप अनटिल गेटिंग सक्सेस। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस idiom, दैट इज फॉर गेटिंग मोर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, प्लीज ट्राई टू पुश द एनवेलप।
फॉर गेटिंग मोर फ्लुएंसी इन इंग्लिश प्लीज ट्राई टू पुश एनवेलप। मैंने जैसे इंग्लिश बोलना और एक फ्लुएंट बोलना, ये दोनों अंतर होता है। तो मेरा हम लोग का ये कहना है कि अंग्रेजी बोलिए और भी फ्लॉलेस बोलिए, फ्लुएंट बोलिए और हाई टेम्पो में बोलिए, क्योंकि इंग्लिश का टेम्पो थोड़ा फास्ट है। तो यदि उसमें जब तक आपने किए तब तक आप और कड़ी मेहनत कीजिए उसको अटेंड करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, माय डियर फ्रेंड, थर्ड एग्जाम्पल रिलेटेड विद डन इन इंग्लिश फॉर मेकिंग यू फ्लुएंट स्पीकर। डन इन इंग्लिश इज ट्राइंग हार्ड एंड ट्राई टू पुश द एनवेलप अ बिट। मैंने डायना इंग्लिश जो है आपको फ्लुएंट स्पीकर बनाने के लिए काम तो कर ही रहा है, लेकिन और नया नया हथकंडा अपना रहा है कि जिससे आप मान लीजिए थोड़ा भी कहीं पे कसर रहता हो उसको भी हम खत्म कर देंगे। मैंने हम लोग का सपना है कि आप 100% गारंटी के साथ सबको हम इंग्लिश बुलवा देंगे। तो इसलिए मैं बोला कि मैं ये कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं, नया नया चीज अप्लाई कर रहा हूं, जिससे कि हर किसी को भी मैं ये सक्षम हो पाऊं सबको इम्पार्ट करने में, नॉलेज में। इसलिए मैं लिखा फॉर मेकिंग यू फ्लुएंट स्पीकर डन इन इंग्लिश इज ट्राइंग हार्ड एंड ट्राई टू पुश द एनवेलप ए बिट। यस, और ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि डन इंग्लिश आपके सामने बहुत अच्छा अच्छा वर्ड, बहुत अच्छा अच्छा इडियम्स और आपको इंग्लिश बोलने में, लिखने में आपको बहुत मदद करेगा और यू कैन फाइंड योरसेल्फ अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। यदि आपको ऐसे ही फॉलो करेंगे तो मान लीजिए आपका हिंदू हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, कोई भी रिलेटेड न्यूज़पेपर रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का वर्ड बहुत ही करंट रहता है और एडवांस भी रहता है। तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए और यदि अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए बिना देरी के हुए अब चलते हम आज के सिचुएशन पर, जो पहले मैं बोला था। अभी कितना समझ पाए मुझे लगता है सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। Loitering along the promenade from dawn to dusk, no longer walk. Neither belly aching nor morning meanie will accomplish your mission. For reaching to the fruition burning minute oil and pushing the envelope further is required. तो चलिए इस पे आप वर्क कीजिए, सिचुएशन बनाइए और इसको बार बार यूज कीजिए। प्ले विद द वर्ड, मैं बार बार कहता हूँ कि वर्ड के साथ प्ले कीजिए, तब जाकर के वर्ड आपका अपना होगा। I hope so you want a splash water of disappointment over our sanguine. You got Dennis का जो मोटो है, मैनिफेस्टो है, जो सोच है, जो मेथोडोलॉजी है, उस पे आप जरूर विश्वास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।